जय श्री राम सभी को भाइयों, कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़नी। तो भाई आज लगाने वाले हम बैक का वर्कआउट अपना और बाइसेप का वर्कआउट। तो चेस्ट हमने लगाई ली थी ट्राइसेप के साथ परसों, और कल हमने शोल्डर का वर्कआउट करा था जैसे कि आपको पता है। तो हम शुरुआत करने वाले आज लेट पुल डाउन से। लेट पुल डाउन दिखा दे भाई। तो भाई लेट पुल डाउन में मैंने लिया अभी 38 से 37 किलो लिया करीब। तो इससे लगाते हैं हम वार्म अप अपना बैक का, और उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इस पे वार्म अप में भी ज़्यादा नहीं, 15-20 रैप। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो भाई अपना बैक का वार्म अप तो हो गया है, और वर्कआउट स्टार्ट करेंगे हम 45 किलो से। रेंज ऑफ मोशन बढ़िया से रखेंगे वर्कआउट में। 45 किलो भी हमने लगा लिया है और स्टार्ट करते हैं। तो भाई वहाँ मैंने लगा लिया अभी 45 किलो, और 45 किलो से अपना पहला सेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तीन और, तेरह, चौदह, एक और, अब 15। ओ तो भाई अगला सेट अपना है 52 किलो से, तो लगाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, एक और, बारह। अच्छा एक बात तो मैंने बहुत अच्छे से गौर करा है कि भाई अपना वर्कआउट आप एक दिन भी छोड़ रहे हो ना, तो आप 1% अपनी स्ट्रेंथ को घटा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को आप घटा रहे हो। डेली वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, तो अच्छे चलोगे। ये नहीं कि मैंने क्या गलती करी, जो आप ना करो, कि वर्कआउट अच्छा कर रहा था और डाइट भी अच्छी ले रहा था, पर एकदम से डाइट मेरी हल्की हो गई पर वर्कआउट मेरा तगड़ा ही रहा। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, और बॉडी ग्रोथ में भी थोड़ा फर्क पड़ा था, जो कि आपको दिख रहा होगा। पर अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो रिकवर हो रही है बॉडी। तो अगला सेट लगाएंगे इसमें हम 60 किलो से। वैसे मैं इसमें पहले, जब मेरी बॉडी लो नहीं हुई थी, स्ट्रेंथ घटी नहीं थी, उससे पहले मैं लगाता था इसमें 90 किलो, 82 किलो भी लगाता था। पर अभी 60 किलो से लगा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ हमें वापस ला दिया है, और अगर एकदम से मैं अपनी स्ट्रेंथ को पुश करूँगा तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो कैसे भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। तो 60 किलो मैंने लगा दिया अब, और अपना आखिरी सेट लगाते हैं, एक मिनट का गैप देके। तो भाई 60 किलो से अपना आखिरी सेट, और लगाते से। और इसके बाद मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, बहुत बढ़िया बात आ रही दिमाग में। एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ, दो और, एक और, तो भाई एक बात बोलना चाहूँगा मैं, कमजोर हूँ। अपने आप को पहले सोचता था कि मैं भाई बहुत कमजोर हूँ, और डिस्कम्फर्ट फील करता था, मतलब कॉन्फिडेंस भी लो होता था इस चीज़ से। तो भाई अपने आप को है ना, हमेशा ये समझो, चाहे तुम पतले हो, मोटे हो, गिट्ठे हो, लंबे हो, कुछ भी हो, अपने आप को हमेशा बोलो अंदर से, आई एम द बेस्ट। मतलब दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना, क्या दूसरे को नीचा दिखाना कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपने आप में, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए झूठे कोई बोल लो बेशक, भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मेरी लड़ाई मेरे से है। तो अभी हमारा ये लैट पुल डाउन हो गया, अब सीटेड केबल रो करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो भाई अपना हथियार हमने ले लिया है, चलते हैं सीटेड केबल रो लगाने। और इसमें हम लेंगे वही 45 किलो से स्टार्टिंग करेंगे, और 60 किलो तक जाएंगे, ठीक है। तो पहला सेट लगाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
आठ नौ ओ दस पाँच और एक दो तीन और एक दो एक और अब तो 15 रैप हो गए अपने सीटेड केबलरों के। दूसरे सेट में हम लेंगे 52 केजी जैसे पहले लिया था लैट पुल डाउन में। 12 रैप तक कोशिश करेंगे पहुंचने की। तो भाई अपना अगला सेट, एक बात बताता हूँ, अभी एक गली में एक भैया की शादी है तो वहाँ पे भी जाना है, तो आज की डाइट अपनी वहीं पूरी होने वाली है। थोड़ा बहुत घर पर खाऊंगा जो खाऊंगा, बाकी तो वहीं खाएंगे पियेंगे, व्लॉग भी बना लूँगा। तो अगला सेट लगाते हैं 52 केजी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ एक और दो और एक और। तो भाई अपना आखिरी सेट है ये 60 किलो से। एक दो तीन चार पाँच छ सात एक और थोड़ी पोजीशन बिगड़ गई पर कोई नहीं, चीट रैप भी चलता है थोड़ा बहुत। ये दो एक्सरसाइज अपनी हो गई, बैक की एक एक्सरसाइज लेंगे और दो बाइसेप की एक्सरसाइज लेंगे, वर्कआउट अपना कंप्लीट कर देंगे ठीक है, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी देनी है ना, उसी हिसाब से वर्कआउट करूँगा ताकि जितना खाऊँ उतना रिकवर हो जाए बढ़िया। तो भाई इसके मैंने दो सेट लगा दिए और उसमें क्या होता है माइक बंद हो गई थी तो आवाज़ नहीं आई। अभी मेरा आखिरी सेट है तो इसे क्लियर करते हैं। ये मैंने लिया है 52 केजी से, देख सकते हो आप, लगाते हैं इसे फटाफट। एक दो तीन चार पाँच छः दो और एक एक और चार और लगाऊंगा मुझे लगता है। ये सेट ख़राब हो गए थोड़े से, लास्ट में जो चार बाकी सेट थे, क्या बोल रहा हूँ, चार और लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा। मसल तो बढ़िया से टारगेट हो गई है, फील हो रही है। एक दो तीन एक और पाँच पाँच किलो से मैंने अपना पहला सेट लगा लिया था बाइसेप कल का और दूसरा सेट है अपना, तो इसमें हम पाँच पाँच किलो और लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि पिछली जो वीडियो थी वो बन नहीं पाई सही से, क्योंकि कैमरामैन प्रियांशु का ध्यान थोड़ा कहीं और ही था, कैमरामैन प्रियांशु का ध्यान कहीं और था इसलिए दिक्कत हो गई थी। पर अब अपना दूसरा सेट लगा रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको दूसरा सेट अपना। कॉल आए तो काट दियो ठीक है, कॉल आ रही है क्योंकि पहले सेट में 15 रैप लिए थे मैंने 10 केजी से, अब 20 केजी है तो लगाते हैं 12 रैप लेने, फिर उसके बाद एक इसका आखिरी सेट लगाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ आठ आठ हो गए चार और नौ दस दो और ग्यारह एक और बारह। तीसरे सेट के लिए 2.5 किलो और लगाएंगे, लगाते हैं अपना तीसरा सेट बाइसेप्स कर्ल्स का आखिरी सेट और इसमें 2.5 किलो केजी और लगा दिए हमने। एक
दो तीन चार। चार और? हाँ इजी है, इजी है। पांच, छः, दो और, एक और, दो और, एक और। मजा आ गया। तो भाई 10-10 kg अभी मैंने ले लिया है और मैं लगा रहा हूँ हैमर कर्ल। इससे लेंगे 15 रैप। तो लगाते हैं, एक दो तीन चार, एक साथ लगा दे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 तीन और 13 14 एक और 15। 12 kg से मैं ले रहा हूँ अपना दूसरा सेट 12.5 kg से। पहले हमने 15 रैप्स लिए थे तो अब 12 से 10 रैप्स तो आने चाहिए मैक्सिमम। तो लगाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार दो और पाँच एक और एक और एक और छः ना 10 लाख कम से कम, मशीनें महंगी हैं। तो भाई अभी 15 किलो से अपना आखिरी सेट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक और अब 10। तो भाई अपनी पोजिंग करते हैं और चेक करते हैं बॉडी की कंडीशन, कैसे लग रही बॉडी की कंडीशन।